हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे बिलीफ सिस्टम के बारे में, हमारे विश्वास के बारे में कि ये कैसे हमें सफल और असफल बना सकता है। आज इस टॉपिक में मैं छोटी से छोटी बात आपको क्लियर समझाने वाला हूं। तो चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारा विश्वास कैसे बनता है, किसी भी चीज पे हमारा विश्वास कैसे बनता है? इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम लोग भगवान पे विश्वास क्यों करते हैं? आप में से कोई भी मुझे बता दो कि हम लोग भगवान पे विश्वास क्यों करते हैं। चलिए इस बात को मैं आपको और ब्रीफली समझाता हूँ। एक मुस्लिम फैमिली का बच्चा खो जाता है और एक हिंदू फैमिली उसको अपने घर ले जाती है, उन्हें वो मिलता है। तो वो बच्चा हिंदू गॉड में बिलीव करेगा या मुस्लिम गॉड में? मतलब भगवान एक ही है, लेकिन वो किसके नजरिए से देखेगा? जरा ध्यान से सोचिए इस बात को। अगर इस बात को आपने गहराई से समझ लिया तो आप अपने बिलीव्स को बहुत आसानी से चेंज कर सकते हैं। सोचिए, वो बच्चा मुस्लिम फैमिली में पैदा हुआ लेकिन उसकी परवरिश हुई हिंदू फैमिली में, तो वो किसके नजरिए से इस दुनिया को देखेगा? एक हिंदू फैमिली के नजरिए से। ऐसे ही हमारा विश्वास काम करता है। हमें नहीं पता भगवान कैसे दिखते हैं, सिर्फ हमने वो मूर्तियां देखी है, हमने बुक्स पढ़ी है। ऐसे तो हम कहानी की बुक्स भी बहुत पढ़ते हैं, लेकिन हमारे आसपास के लोग हमें उनके बारे में बताते हैं। और अगर आप उन लोगों से पूछोगे तो उन्होंने भी सच में उन्हें कभी नहीं देखा। वो भी यही कहेंगे कि हमारे पूर्वजों से हमने ये सीखा है। ये सब कुछ ऐसे चलता है। अलग अलग धर्म में अलग अलग विश्वास ऐसे ही बनते गए, और इसी वजह से ये कट्टरता जो आप देखते हो ना आज, इसी वजह से है। ये सब कुछ विश्वास की देन है। आपने कभी सोचा है कि धर्म के नाम पे ये विश्वास इतना शक्तिशाली है कि धर्म के नाम पे लोग एक दूसरे को मारने को तैयार है, कुछ भी करने को तैयार है? आपने बहुत से ऐसे आतंकवादी के ग्रुप्स देखे होंगे जो छोटे छोटे बच्चों को मार देते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में यही डाला गया कि तुम्हारा धर्म ही यही है, इसे तुम करोगे तुम्हारे भगवान खुश होंगे। ये है विश्वास। अब ये बचपन से लेकर बनता जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसको चेंज नहीं कर सकते। सब कुछ आपके हाथ में है, लेकिन एक जब आपके दिमाग में कोई विश्वास बन जाता है तो उसे हटाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं होता। अब आपको मैं बताता हूं कि आप अपने विश्वास को किस तरह से बदल सकते हैं। बहुत से रॉन्ग बिलीव्स होते हैं हमारे दिमाग में जो हमें कभी आगे बढ़ने नहीं देते। जैसे कि एक छोटा बच्चा है, वो पढ़ाई में थोड़ा सा कमजोर है, लेकिन हमेशा याद रखना, घर वाले बच्चे को डिवाइड कर देते हैं, ये वाला मेरा बच्चा थोड़ा अच्छा है पढ़ने में और ये वाला थोड़ा वीक है। वो जब उसको डिवाइड कर देंगे तो उन्हें ये समझ नहीं आ रहा, लेकिन उस बच्चे को भी इसका असर पड़ रहा है। उस बच्चे को इस बात का पता नहीं चलेगा, लेकिन धीरे धीरे उसके माइंड में ये बात बैठती जाएगी। आप ऐसा क्यों नहीं बोल सकते कि ये अभी मेहनत कर रहा है? नहीं, ये बच्चा कमजोर है। आप उस बच्चे को ये भी तो बोल सकते हो, ये मेहनत कर रहा है, ये अच्छा बनेगा। ऐसा देखा है आपने कभी? अपनी रियल लाइफ में देखो इस चीज को। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आपके आसपास कोई भी ऐसा है जो थोड़ा वीक है, उसे ऐसी बातें मत कहो तुम कमजोर हो, तुम ऐसा करो, तुम नहीं, तुम मेहनत करो, तुम बहुत अच्छे बन जाओगे। मतलब जो आप बोल रहे हो वो आपका बिलीफ भी बना रहा है, उसका बिलीफ भी बना रहा है। आप जो अपने बारे में सोच रहे हो वो आपका बिलीफ बना रहा है। इसलिए कहते हैं कि जो भी लोग बोल रहे हैं उस पर ध्यान मत दीजिए, और ऐसे लोगों के बीच मत जाइए जो हमेशा आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। इसीलिए उनसे दूरी रखने के लिए कहा जाता है। ये जो विश्वास है, अगर ये आपके अंदर सही तरीके से डेवलप हो गए तो आपकी पूरी जिंदगी सफल बन सकती है। आज तक आपने जितने भी सक्सेसफुल लोग देखे होंगे, उनके दिमाग में एक बात कॉमन होती है कि वो कभी हार नहीं मानते, वो इम्पॉसिबल सोचते ही नहीं है किसी चीज को। और हमारे पास ये होता है कि हम लोग हमेशा किसी भी चीज को करने से पहले उसके नेगेटिव फैक्ट्स देखना शुरू कर देते हैं। मान लीजिए मुझे कुछ बड़ा करना है तो मैं पहले ये सोचूंगा लोग क्या कहेंगे, लोग ये कहेंगे, वो कहेंगे, मैं ये नहीं कर सकता। जितनी बार आप सोच रहे हो वो उतनी गहरी आपके दिमाग में बात बैठती जा रही है, और वैसे ही आपका दिमाग उस विश्वास को बनाता जा रहा है।
तो ध्यान दीजिए एक एक चीज पे जो आप सोचते हैं। कभी आपने सोचा है कि जो सड़क किनारे काम करते हैं लोग, वो हमेशा गरीब ही क्यों रहते हैं? बहुत कम लोग होते हैं जो वहां से बाहर निकल पाते हैं। आप कभी उनसे जाके पूछना, वो अपने बच्चों को स्कूल क्यों नहीं भेजते, उनसे पूछिएगा कभी, तो वो ये बात कहते हैं, हमारे माँ बाप ने यही काम किया, हम यही काम कर रहे हैं, तो हमारे बच्चे यही काम करेंगे। मतलब उनकी सोच, उनके बिलीफ बस वहीं तक सेट है, देख रहे हो आप? और ऐसा नहीं है, इन्हीं के बीच से एक ऐसा आदमी निकलता है जो कुछ बड़ा करके दिखाता है, लेकिन उसके बिलीफ में थोड़ा सा फर्क होता है। अब आपको भी इस बात को समझना होगा, इस तरह से बिलीफ सिस्टम काम करता है, जिसको कहते हैं जिद्दी। उस तरह का विश्वास आपको अपने अंदर बनाना होगा कि मैं इस चीज को कर सकता हूं और मैं इस चीज को कर ही सकता हूं। जिस दिन ये आपके दिमाग में घुस गया, उस दिन आप एक चीज पकड़ोगे, आप तब तक हार नहीं मानोगे जब तक आप उस काम को कर नहीं लेते। किसी भी आदमी के सफल और असफल होने के पीछे उसके विश्वास का सबसे बड़ा हाथ होता है, क्योंकि अगर आपने ये सोच लिया कि आप वो चीज कर सकते हैं, ये विश्वास आपके दिमाग में किसी तरह से बैठ गया, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर इसका उल्टा हुआ, तो आप कुछ भी कर लो, वो चीज नहीं होने वाली। इसीलिए आपको कहा जाता है कि जो आप सोचते हो उस पे ध्यान रखो, जैसे लोगों के बीच आप बैठते हो उस पे ध्यान रखो। ये विश्वास अगर सही होंगे तो आपकी पूरी जिंदगी सही रहेगी। आप अपने विश्वास को ब्रेन वॉश से चेंज कर सकते हैं। ब्रेन वॉश पे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, कैसे आप अपने ब्रेन को वॉश कर सकते हैं पूरी तरह से और उसमें नई बातें भर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, और आपको कोई भी कमी लगती है तो कमेंट बॉक्स में जाके बताइए। आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स आपका है।